कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर स्थित काली मंदिर के पास गांजा बेचते पकड़ाए समीर कुमार सिंह को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 20.90 किलो गांजा भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कदमा में छापेमारी की गई, जहां से समीर को गांजा के साथ पकड़ा गया। मौके से एक डिजिटल तराजू भी बरामद किया गया, जिसे गांजा को वजन करने के काम में लाया जाता था। SSP ने बताया कि समीर बीते 7-8 सालों से ये काम कर रहा था। SSP किशोर कौशल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान अब तक कुल 14 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में समीर ने बताया उसे एक व्यक्ति गांजा की सप्लाई करता है, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। वह कम मात्रा में ही गांजा बेचता था, पर इस बार उसने भारी मात्रा में गांजा मंगाया है। पुलिस मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। एक सेकंड सर। तो 2024 को इस प्रकार की सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में जो है गांजा के अवैध कारोबार में संलिप्त है और उसके द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जिसको SPCT मॉनिटर कर रहे थे और जो थाना प्रभारी कदमा है वो इस टीम में थे और उनके साथ उनके थाने के अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। साथ ही साथ इस पूरे सीजर में जो SDO धारमून है वो भी इसमें शामिल थी और इस छापामारी के दौरान 20 किलो 900 ग्राम जो है गांजा वहाँ से बरामद हुआ। इसके अलावा एक डिजिटल तराजू तथा एक फ़ोन भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं इसके खरीद फरोख्त के पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। इस तरीके से जो चुनाव के दौरान शराब को लेकर के मादक पदार्थों के विरुद्ध जो एक लगातार अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी छापेमारी और एक बड़ा सीजर इस मामले में हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक NDPS के आचार संहिता लगने के बाद 14 कांड अभी तक दर्ज किए गए हैं और 16 अपराधकर्मियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और ये अभियान अभी लगातार जारी है। किसी की गिरफ्तारी हुई थी? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, इसमें आप विज्ञप्ति में भी मैंशनड है कि समीर कुमार सिंह जो वहीं का रहने वाला है उसी के घर से ही जो ये बरामद की। और लोग इसमें शामिल है कुछ बताया जा रहा सर? इस संदर्भ में हम लोग अभी जो भी इनके बैक लिंकेजेज हैं, कहाँ से लेके आता था और कौन लोग इसमें शामिल है, उस संदर्भ में तफ्तीश जारी है और रिमांड को लेकर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। सर कितना का होगा? 20 किलो 900 ग्राम लागत। प्राइस